छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीम ने सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑपरेशन कर राहुल को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बचाव कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को शुभकामनाएं भी दी है। बघेल ने ईश्वर से की राहुल की सकुशल रिहाई की प्रार्थना। साथ ही में सीएम ने आपातकालीन चिकित्सा की पूर्ण तैयारी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर जांजगीर चांपा और बिलासपुर कलेक्टर को भी किया गया है निर्देशित। बिलासपुर में CIMS और अपोलो अस्पताल में तैयारी रखने की बात भी कही गई है। जांजगीर कलेक्टर ने कहा है कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रशासन की टीम मुस्तैद होकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। मुख्यमंत्री बघेल के दिशा निर्देश में ग्राम पिहरीद और साथ ही में माल खरोदा जिला जांजगीर चांपा के बोरवेल में 54 घंटे से भी अधिक समय से फंसे हुए राहुल साहू को बाहर निकालने के अंतिम दौर का रेस्क्यू शुरू हुआ है और कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित सेना के अफसर, NDRF और CDRF, SECL सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पूरी टीम छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े रेस्क्यू में जहां पर मौजूद है। सभी प्रकार की तैयारियां और व्यवस्थाओं के साथ में रेस्क्यू दल 60 फीट नीचे गहराई में उतरने जा रहा है और अब इस ऑपरेशन का सिर्फ एक ही मकसद है, जहां पर बोरवेल में फंसे हुए राहुल को किसी भी तरह से सुरक्षित निकालना। लगभग 52 से 54 घंटे से जहां पर पोकलेन, JCB, ड्रिल मशीन से भारी मशक्कत के बाद बोरवेल के समीप गहराई की गई है, जहां पर अब नीचे सुरंग बनाकर राहुल तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस सबसे बड़े ऑपरेशन में हिस्सा बनने वालों का हर पल अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ में ऑपरेशन में किसी तरह की जल्दबाजी या फिर लापरवाही नहीं करने के सख्त निर्देश हैं।